अगर रियल में देखा आपने तो कई कब्रिस्तान में देखा। मैंने कब्रिस्तान में देखा, कुछ रोता है इसको सिर फाड़ दूंगी। कब्रिस्तान को चार बार बार बोल कर दूं। क्या कहते कब्र खोदने वाले को भाई? मत ना, हारने वालों की जीत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मेरी रात 12 बजे हुई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ करोड़ जितना मर्जी में सजदे दे दे कि शुक्र अदा करूं, कभी भी नहीं। या अली या अली या अली या अली, तेरे जीवन सदा हसन है मौला हसन ते मौला हुसैन। या अली या अली या अली या अली या अली, तेरे जीवन सदा हसन है मौला हसन ते मौला हुसैन। मौला हसन ते मौला हुसैन, तेरे जीवन सदा हसन है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम जहान की खुशियाँ इनायत फरमाए, और अल्लाह ताला किसी किस्म का दुख परेशानी ना दे गमे हुसैन के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रमजीत, मेरा यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। मैं करती हूँ आप लोग खराब के सुनेंगे अपने को हम खुशी रहा होंगे, अल्लाह के फसल को बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं प्यारी से दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। ब्लॉग का आगाज तो माशाल्लाह से बहुत 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 खूबसूरत हो चुका। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना। अस्सलाम वालेकुम, ओहो प्यारी प्यारी बेटियों, प्यारे प्यारे बेटो, बहनो, भाइयो, पोतियो, पोतो, धोतियो, धोतो, भतीजियो, भतीजियो, भांजियो, भांजो, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी खुशियों से याद रखे, आबाद रखे। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार मेरे बच्चों से, इन्होंने मेरे लिए दुआ करी और आज मैं ठीक हो गई आपकी दुआओं से। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर दे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। और मेरे लिए भी दुआ करना, आमीन। और नासाज मैं भी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी खातर एक्टिविटी, आप हमारी फैमिली है तो लिहाजा आपके लिए मैं स्टैंड बाई हो गया। हाँ जी, क्या बात है सर, अल्लाह आपको आप टेंशन रात 12 बजे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ना पैकेज लगाया हुआ ममा, रात के 12 बजे मुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिली हैं। तो वो तो रात को 12 बजे ऐसा चीख के मम्मा को, मम्मा खुद जाए खबर खाना खराब जी, मेरा दिल ने कटाया मुंह से। बाकी खुशी बहुत बड़ी थी, वो हम शेयर करेंगे आपसे। हो सक रही थी, वो चीख मार के ही निकल रही थी खुशी। हाँ जी हाँ जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब पे अपना करम रखे। उस खुशी के पीछे हमारे दिन रात की मेहनत है, के लिए आपसे जरूर शेयर करेंगे करेंगे आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी मुझे कभी 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 भी नहीं हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इंशाल्लाह। उसमें आप लोगों की दुआओं का नतीजा, हाँ जी, उसमें हम जलील भी बहुत हुए, उसमें हम सैड भी बहुत हुए, उसमें हम खुश भी बहुत हुए, रोए भी बहुत, पर हंसे भी बहुत, पर हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत ना हारने वालों की जीत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मेरी रात 12 बजे हुई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ करोड़ जितना मर्जी में सजदे दे दे कि शुक्र अदा करूँ, कभी भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? एक और गुड न्यूज है। क्या? क्यों बाल बड़े हो गए? हाँ ये देखो, अभी कैचर लगाने लगी, बैको मीन बनाया करेंगे आज से। फिर भी मैं पूट के रहूंगी, बड़े हो गए ना। ये देखो आप हाथ में भी आने लग गए, फिर इसके ना वो झाड़ू वाले बाल बनाया करेंगे। आए झाड़ू बैको मीन वाले बाल, वही वही झाड़ू वाले बाल। फिर मैं घर चले जाऊं जो अभी लेट है। आप देख तू, आप तू गया बेटा, आप तू घर चले जाऊं, मतलब ये घर छोड़ने की सोच रहे मम्मा? उसके घटिया दिल में ऐसी बात आई, मेरे से घर चले जाइए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ जी आप सलाम करें। जे चाहे ना आवे दुख दर्द तेरे नेड़े,
सच्चियां दे दरते आ जा छट झूठ दे बखेड़े इस दर ते बदल सकदा इस दर ते बदल सकदा लिखिया तेरी तली बेशक 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 सवार दिलदा नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली या अली या अली निसलाम कर मेरा सलाम कर ही रह गया अभी नहीं इधर कर कैमरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स क्या हाल है सब ठीक ठाक है घर में पानी आ रहा है क्यों छते गर्म मैं ये कह रहा हूं अभी छतों को धोए इस टाइम जाके बंदा जरा यूं पैप से ना एक पानी दिल्ली से भी ठंडी हो जाती कोई नहीं तो जो नीचे बैठे हो वो नहीं नहीं आई थी ना तो मैं इसको कहती कि कपड़े इस्त्री करने बैठती लोन के होते या कोई तो मैं इसे कहती वत्तर लगा दे कपड़ों पे वत्तर का मतलब होता है पानी छिड़क ना तो इस्त्री सही हो जाते हैं कहती मम्मा ये वत्तर क्या होता है वत्तर मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल शावर तू सलाम मेरी बात मेरी बात मैं तो हूँ पुराने जमाने की तो मैंने तो बत्तर ही कह रही हूँ अच्छा भाऊ बात सुन बात सुन तो शावर को नहाने वाले को कहते शुहारा भी लगाओ हमारे तेरी आपा हमारे वॉशरूम में शुहारा लगा मैं है वॉशरूम में कौन सा शुहारा लगा हुआ मैंने छोटे बहन में नहीं बोलती अच्छा मेरे वॉशरूम में शुहारा लगा मैं कौन से शुहारा लग गया इनके वॉशरूम में मेरा सलाम फिर बीच में रह गया अच्छा करे सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं ये कह रहा था कि शाम के टाइम ना बंदा मोटर चलाए ठंडा पानी आ रहा होता है यूं सारी छत पे लगा वही पैप मुंह को भी लगा ले थोड़ा सा पंखा लगा दे ठीक है साथ वो चादर बिछा के ना चरपाई के ऊपर FM रेडियो का साथ वो पड़ा हो गाने चलाए उसके ऊपर और घड़े का पानी पड़ा हो हाँ जी। ठीक है बाकी मैं बताता हूँ आपको और मम्मा ये ना हमारा दिल जला रहा है पता है क्यों तो हम कमरे में सोते हैं ऊपर छत पे बीच बीच में सोते ना खुली हवा दे बुल्ले लेंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके साइड इफेक्ट तो हमें होंगे ना ऊपर ठंडा हो जाएगा सारा नीचे सारा सेका आ जाएगा नहीं पर अल्लाह का शुक्र हम सुबह सुबह मामा चादर कंबल ओढ़ के लेटे होते हैं आँखों में रोशनी भी नहीं क्या नहीं क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला चल चल लोगों को मशवरा दे रहा हूँ मैं अच्छा अच्छा ये निजाम करा करो साथ में बंदा बाल्टी में बंदा ठंडे करे हाय हाय इतना सुकून ठीक है और साथ कच्ची लस्सी बना ले रात को बंदा सारा दिन की बंदा कुतर पांच भी करे और साथ आम भी खाए अच्छा मुझे ये बताओ कि आप दुकान पे दो दो तिहाड़े मारते हो गला बैठा बैठा लग रहा है वो आजो बाजी आजो बाजी यूं करते ना आजो बाजी ले जाओ जुत्ती आजो बाजी नहीं ये दुकान पे करते हैं जेड़ा कटो वही लाल है लाल है भी लाल है जेड़ा कटो लाल है आप आवाज देने वाले मैं कैसे बाहर अच्छा सीनियर हो गए नहीं मेहनत मेहनत ही हम कुछ भी करें आवाज दें कुछ भी करें मेहनत मेहनत है कि नहीं कमानी रोटी रिज़क है नौकर की तरह अब भाभी काफी लोग हमें कहते हैं आप पांवों को मेहंदी लगाते हैं कुछ शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे हमें क्यों शर्म आए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मेहनत करते हैं किसी के आगे हाथ फैला के मांगते नहीं मेहनत करते हैं भाई कुछ भी करना पड़े हमारी मेहनत हम तो करेंगे ये बड़ी अच्छी बात कही है ना भाई ऐसे ही बात है ना बिल्कुल ऐसे ही तो आप मेरे पाँव में चप्पल बनाते हो आपका दिल क्यों कट गया था ऐसे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कुछ भी नहीं छोड़े भाई डिजाइन लगाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है डिजाइन एवेन्यू बनने के बेची जब 20 की छोड़ 10 की बेचे पर डिजाइन लगाने में कितनी मेहनत लगती है 10 नहीं तेरी बहू के हाथ पैरों के लिए मेहंदी ऐसा तो लिपस्टिक जाके वो रेहड़ी पे से आप 10 रुपए 20 रुपए और मिलने वाली अच्छी वाली हमें 20 रुपए लिपस्टिक होती घिसड़ पिछड़ ये क्या है और मिलने वाली जी मम्मा 1500 की भी मिलती है लिपस्टिक वो तो है जितना मीठा डालो गुड़ डालो कितना मीठा होता है 20 रुपए की बोल रहा है वो आपकी फिर वाइफ यूज करेंगी वो आप लाकर देना चलो भाई मेरे को बताओ आज का मौसम में लगना लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए तो आप बताओ किसको किसको कैसा पापा आप बताओ आपकी नजर में वाइफ क्या होनी चाहिए मतलब कि वाइफ किस तरह की होनी चाहिए लाइफ पार्टनर वो होना चाहिए कि जो आपकी हाँ में हाँ आपके दुख में दुख
आपकी खुशी में खुशी, आपके बड़ों का एहतराम करें और आपके शाना बशाना चल सके, कदम से कदम मिलाकर चले, वो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर है। हंसमुख भी हो में, यानी के जन्नत का नमूना भी। हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब है कि मैं सही नहीं लाइफ पार्टनर? तस्वीर बनाओ खड़े होके। हाँ मैं कहा मैं कैसे खड़ी होंगी, मैं तो जब खड़ी होती हूँ झुक जाती हूँ। इन्होंने क्या करा, दोनों पाँव बैठे ने, जुनेद तू भी था ना साथ, इन्होंने ना मेरी कमर को यूं दोनों ने पकड़ लिया पीछे से, इधर से जुनेद ने, इधर से टॉप अप से लंबी लग रही थी, सीधी खड़ी हुई बिल्कुल, है ना। अगर मैंने कहा इनके हाथ ना होते तो मैं तो जा कर फिरने की वो रखी हुई थी, गिर गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप क्या चाहते हैं, आपकी आइडियल कैसी होनी चाहिए उनकी? आप पापा की ने बता दिया, आपकी आइडियल कैसी होनी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि भाई बड़ोला ब्याह करेगा मारेगा मेरे जैसी? नहीं नहीं, मतलब उसमें क्या गुण होने चाहिए ऐसे? क्या मतलब? मतलब इसके दिल की जो मैं बताऊं, ये चाहता है कि मेरी बहन की झुंडे पुटे इसको मारे। स्टार्ट करो। इनके कलेजे पे चढ़ के बैठे हैं। भाई ऐसी ना मांगी लुगाई। किद्दां? हां। दस दियां मैं तैनू आ। सही पकड़े हैं। जरा हां। पछा की तैनू। चल चल अपने नहीं बोलाने। मेरे चार बाल है ना, उसने मेरी टिकनी नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया। अच्छा मैं तब तू बता, मेरे को बड़ा पता लाइफ पार्टनर के बारे में। होना चाहिए, है नहीं लाइफ पार्टनर? खबरदार मेरी बोको बताओ, ये आपकी बोको है? फिर मैं जीने का बोलने का हक सबको है, ये क्या बात हुई? नहीं तो फिर जब मैं पूछ रहा हूँ तो फिर क्या उसका नाम है बता रही, भी चार बाल है वो भी ना रही। वो कह रही है मेरी जिठानी आके मेरे सिर के चार बाल नहीं छोड़े, ऐसी लाऊंगी जो मेरे साथ दिल में दिल डाल के रहे। प्यार मोहब्बत रहे, गलत तो नहीं कह रही? सही नहीं, वो खुद इरादियत सबका हक है। हाँ जी सही, हक है खुद का। बताओ क्या कर रहे थे? इरादियत गुर्दे गुर्दे पुर्दे कौन सा हक है? खुद इरादियत के खुद इरादियत, इतना मुश्किल हक के खुद जो बोले हक के खुद इरादियत। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, हक़ खुद इरादियत कौन सा हक है? तुम भी बताओ। आजादी है उसकी, वो एक टोकरी में बिछा के खाना खा रहा है। अपना लाइफ पार्टनर को कितनी हिफाजत दी हुई है उसने, टोकरी में बिठा के दिखाती हूं मैं। पूरा बाटा सब पूरे तो का वो देखो, सिंगल बेड में ये देखो और ये देखो, ये भी अपनी राय देना चाहते हैं बीच में ना, ये भी बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। चल तू बता कैसे होनी चाहिए लाइफ पार्टनर? होनी चाहिए लाइफ पार्टनर होना चाहिए भी, साइकिल अगर पंचर हो जाए ना, चलो जिस तरह मोटरसाइकिल को धक्का लगा के आप लेके जाए, तो जिस तरह बंदा होता ना कि आप लेके जा रहा है पंचर हुई मोटरसाइकिल, नहीं कहे कि नहीं मैंने नहीं लेके जानी, आप ऐसा करें आप चले, आप मुझे मोटरसाइकिल पे यहाँ तक लेके आए हैं, अब मोटरसाइकिल हो गई है पंचर, अब जनसाना की सीट के लेके जाऊंगी पंचर वाली। आप बोर कर रहे हैं? बोर कर रहे हैं कितनी दूर से लाइफ पार्टनर, बंदा गर्मी में सारा दिन कमा के आता है ठीक है, रोटी खिलाता है, और जब राह में चलते हैं अगर मोटरसाइकिल पंचर होगी तो क्या लाइफ पार्टनर लेके नहीं जा सकता? बीवी अच्छी लगती है जो है वो लेडीज से मोटरसाइकिल को धक्का लगा, लेडीज का हक नहीं जब जेंट्स सारे सारे खुशी। क्या सोच है रे तेरी, बेशर्मी नहीं है भला? ये लेडीज ने पहना बुरखा, लेडीज है डेढ़ फुटी और मोटरसाइकिल इतना ऊंचा, तो लेडीज तो यूं गुड हो गया जी, सुबह साइकिल चलाइए, कैंची साइकिल सीट पे बैठ के नहीं चलानी, नहीं एक पांव से एक पांव पैडल पर एक पांव पे, बीच में से एक लात इधर को निकाल के और साथ तती में रख के ना, वो छोटा इसका कद छोटा है चला लेगी चले, तेरे भी आसानी कर दूंगी।
हाँ पीछे इसको बैठा के ना, भाई को बैठा के ना, बैठी हूँ बीच वाले में से ना, मोरे में से एक पहले बता दिया अपने अपना आइडियल। और मैं नहीं, मुझे नया लाइफ पार्टनर चाहिए। क्या हुई खबरदार, बुराई करने की जरूरत नहीं है, कत्ल कर दूंगी मैं आपको। हमने जो इनके लिए चुन लिया, मैंने तुम्हें सारा जहां क्या बात है? अच्छा आप क्या कहना चाहती हैं, आपका एड्रेस कैसा है? मुझे घर जाना है। मेरा मुंह पास नहीं, नहीं ना करो। मेरी बहू इतनी प्यारी है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा इन्हें मैं खुद कुछ भी कह लूँ, जो मर्जी कह लूँ, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई और इनके बारे में कुछ। अच्छा है उनका शौहर क्यों ना हो, चाहे मिट्टी है चाहे कुछ, मेरा सोना है। इधर चुम्मी दे, प्यारी है। हाँ जी, अच्छा आप बताएं आपका आइडियल कैसा होना चाहिए, अगर आप सोचेंगे मेरा पति ऐसा होना चाहिए था। नहीं, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सब है जो दिल में ख्वाहिश थी ना, वो सब है। हाँ जी, सब कुछ पैसा नहीं होता है, या बंगले गाड़ियाँ नहीं है। नहीं, बंगले गाड़ियाँ मैटर नहीं करती, बंगले गाड़ी मेरी बात तो होनी चाहिए, लेकिन लाइफ पार्टनर वही है जो बुरे वक्त में साथ दे। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ चल पड़ता, बुरे वक्त में कोई साथ चले जब की बात है। और इज योर बेस्ट, मेरा बंदा इज द बेस्ट। हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट, यस ऑफ कोर्स। मेरे सिर का ताज है। अच्छा अच्छा, अब मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। अगर लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, देखिए भाई लड़की अगर अपना घर छोड़ के जाती है, ठीक है ना, तो उसे उसके साथ आप अपनी तरफ करें कैमरा, मतलब कि ना अच्छे तरीके से उसको समझना चाहिए, उसके दुख सुख को समझना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। इसका मैं ये नहीं कोई आप रनमुरीद हो गए या कोई गुलाम हो गए, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हाँ, जो लड़की शादी होकर जाती है उसका मतलब ये नहीं कि उनका बेटा बस उनकी मलकियत हो गई, भाई वो मेरा है तो बस मेरा ही हो गया, उसकी माँ बहनों का ये किसी का उसके ऊपर कोई हक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अपने शोहर की रिस्पेक्ट करें, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहे ना तो उसकी रिस्पेक्ट करें, जितना आप उनकी इज्जत करेंगे इतना आपकी इज्जत में इजाफा होगा, ठीक है ना। तो मिलजुल के होता है, लाजमी नहीं कि लड़का ही सब कुछ करे या लड़की ही सब कुछ करे, यही नहीं, मिलजुल के होता है ना मम्मा, यही नहीं। अभी और सुने, और बोल क्या बोलो, इतनी देर से लगी हुई। और दूसरी बात ये, टोटल अगर मेरी सुनो तो मैं तो सख्त शादी के खिलाफ, शादी करनी ही नहीं चाहिए। जिनकी हुई भी है या रिसेंटली होने वाली है तो मैं उनको बता रही हूँ, मैं अपने ख्याल बारे, सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि शादी होनी नहीं चाहिए। हाँ मियाँ बीवी तो जो है ना, ट्रक के दो पाए, जिनकी होने वाली है ना, बाद रखे बाद ट्रक के दो पहिए है, मैं तेरा अब्बू, और ये जो है ना ये रक्षक के दो पहिए, जिनकी रक्षक के शादी जो है ना सुन्नत है। आप मोमिन है और आप इस तरह की कमेंट नहीं दे सकते। मैंने कोई कमेंट नहीं दिया, मैंने यही कहा कि आप लोग इस तरह से एक मिलजुल के नसीब होगा, हो भी जाएगी। आप ये कहे की फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई मांडी इस टॉपिक में मेरे से कोई बात नहीं करे, मैं ऐसे राय पूछना चाहती हूँ आप सबके, ठीक है? हमारी पूछ ली मैंने, राय दी है ना मैंने अपनी, राय दे दी मैंने अपनी, जो मैं चाहती थी, ठीक है ना मामा, सही राय दी है ना, मैं तेरे नाल सही राय दी है ना मैंने, दूसरों के लिए जो भी चाहती, ठीक है, मेरी जिंदगी अपने तक, मेरी लाइफ अपने तक है। पान दान ये नहीं हो सकता क्या? पान दान कभी अच्छा भी अगर नहीं बन सकता है, पान लगा के दस खुशी के मौके पर मुझे। हाँ, और ईद के बाद में इंशाल्लाह पान दान का मैं कह रही हूँ, अपनी लाइफ में कभी 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 भी नहीं ऐसा पान दान देखा है ना। वो आ जाएगा जल्दी, आ रहा है चलता हुआ, जिस दिन यहाँ पहुँच गया उस दिन दिखाऊंगी मैं। इतना खूबसूरत पान दान मैं तो देख के दंग रह गई, उसमें ना मेरे सारे कपड़ों के प्रिंट ही थे। अच्छा इतना खूबसूरत भी बहुत खूबसूरत पानदान है। हाँ। के मल्टी कलर उस... या पर्पल कर... ओ, मल्टी मल्टी कैसे पानदान कम और शादी की बेदी ज्यादा। एक मिनट, जैसे भाई याद रहा जरा काके के सूट पे से, ये जो काके के सूट में कलर्स है ना, ऐसे ही सब कलर है, मतलब कि कलरफुल है। पानदान है मेरा, पानदान राजस्थानी पानदान प्रो। दरअसल जो पानदान आ रहा है, हाँ जी, है बिनमोल। हाँ जी, लेकिन उसे भेजने वाले बहुत अनमोल है, बहुत ज्यादा अनमोल है।
तमाम दुनिया जहान की खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उनके बच्चों की जिंदगी लगाए, बच्चे मेरे ही हुए, और अल्लाह ताला उनकी हर हाजात पूरी करे, आमीन। मौला हुसनैन के सबके, पंचन पाक के सबके, मौला गाजी के सबके। जुनेद भाई, आपको वो सॉन्ग आता है, ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी हल्का सा सुना देना, मैं खुश हूँ तो आप सुना नहीं सकते मेरी खुशी में, सुना है। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली, आज बस में नहीं है मन मेरा, आज इतनी खुशी मिली है, सिर्फ हम मुझे नहीं पापा से लेगी इन छोटे ककड़े तक, इतने खुश हम, इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है, पाकिस्तान पे चीख चीख के चलिए हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत खुश है, जो हमें खुशी मिली हम उसके बारे में कभी कभी भी नहीं सोच सकते, पेंडिंग में मैं अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करूंगी, पर मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं गुर्दे फेफड़े खोल के खुश हूँ। बच्चों की दुनिया की तरफ से हमें कमेंट आया है, गेट वेल सून, इंशाल्लाह, मतलब इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह, दोबारा से जल्द बहाल होंगे। और आया है शाह वसीम, वो कह रहे हैं जुनेद भाई को अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, बच्चों की जानिब से तीन दिल। जुनेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। एक कमेंट था कि पता नहीं कौन से भाई, मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा सही से, जल्दी में काम कर रही थी मैं, वो कह रहे थे आपा मैंने आपको देखा है, बासित है ये, इन्होंने लिखा है कि आप कहाँ रहते हैं, मैंने चार दिन से आपको देखा है, अच्छा ब्लॉग पर देखा होगा चार दिन से आपके, नहीं आपने मुझे कहाँ देखा है, रियल में देखा है, ब्लॉग में देखा है, किधर देखा है, आप मुझे ये बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं आपने मुझे किस जगह देखा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर रियल में देखा है आपने तो कई कब्रिस्तान में देखा है, कब्रिस्तान में देखा, श्रोता है इसको सिर फाड़ दूंगी, कब्रिस्तान को चारा बार बार बोर कर दूं, क्या कहते कब्र खोदने वाले को भाई कोरकंद, मैं वो हूँ जो मैं कब्रिस्तान में, मैं क्या करूँगी, लड़की के साथ कब्र का नाम नहीं लगा, नहीं कब्र कब्र का नाम नहीं लगा रहा, स्थान का नाम लगा रहा हूँ, स्थान भी ना लगा तू, नहीं मैं वहाँ क्या करूँगी, नहीं हॉस्पिटल ही जाती हूँ, आपने भाई मुझे कहीं देखा है, फ्रॉम कराची, क्या थैंक यू, फैमिली अच्छी से है, तुझे व्लॉग पर ही इन्होंने देखा है, नाम है फरहा, रहा बेटी, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपकी हर तमाम जायदाद हजार पूरी करे, अल्लाह पाक आपको जायदाद भी दे, रब्बे दे, आमीन आमीन। सुमामी दुनिया की तरफ से मामा के लिए है गेट वेल सून, हमारा अलवी की तरफ से आमीन सुमामी, अच्छा आपके लिए दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हमारा अलवी की तरफ से भी गेट वेल सून अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और ये आईडी पर नाम आयशा है, अच्छा जी सही हो गया, ठीक हो गया, क्या इनका समझ क्या आया था, अच्छा आपके दांत बड़े खिल जाते बाद में थोड़ी सी बात में भी, तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाया, अल्लाह ताला उनको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन, अल्लाह ताला उनको किसी चीज की कमी ना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी क्या देखो, छोटे से हमारी तरफ से भी सलाम है बच्चा मी, वालेकुम सलाम, ओ भाई शोई शुरू किए, अच्छा जी तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और हम एक दूसरे से बार 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 मिलते रहे, इसके साथ ही ये मुझे इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।